हालत हो रही है ये तारी के बताओ भाई क्यों पानी को नहीं आ रहे हो अकेला आदमी सुबह कदे पानी आओ उस टाइम में बोले आराम में रात पानी को नहीं आवे ना तारो मेल कौन मिल रही है मेल नहीं मिल रहा यार समझौता नहीं हो रहा क्या करे जिंदगी ऐसे ही कट रही है जब तक जिंदगी में मतलब मेल नहीं मिलता है अपन हिंदी भी बोलते हैं मारवाड़ी भी घुसड़ देते हैं मेल नहीं मिलता है तब तक जिंदगी ऐसे ही कटती है भाई जब वो आता है तो हम नहीं होते और जब हम होते हैं तो वो नहीं आता जब ही आपकी हालत हो रही है भाई पानी लेके आना पड़ता है पीने के लिए वहां से सलाद गले ये काट नहीं तमो सलाद की दे दो देख लो जी ये ऐसा है इतना लड़ता है ये मेरे से कि बस पूछो ही मत और देखो आज क्या खा रहे हैं दो गाजर एक हेरी तीन खीरे दो चुकंदर और पांच टमाटर और प्याज इधर है भी क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये लो जी एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं तो थोड़ी देर बाद में ही स्वागत कर लेता हूँ जब टाइम लगता है और सलाद काट लिया है। आजकल सलाद ही खा रहे हैं क्योंकि नीरू और मैं नीरू तो कोशिश करता है कि खाना बना लें लेकिन यार आड़स मेरे से नहीं बनाया जाता। फिर इसको भी मैं कह देता हूँ यार खीरे वगैरह खाएँगे ये भी खाना रोटियों से बोर होकर के यहाँ पर आया है। और मैं वैसे तो ये वीडियो बना रहा था लेकिन वीडियो बना रहा था तब बोल रहा था लेकिन यार फिर पता लगा कि गाने बहुत तेज़ आवाज़ में चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उस दिन दो तीन सावे थे आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में। तो अपना तो निमंत्रण नहीं था इसलिए नहीं गए भाई क्योंकि अपन तो नए नए आए हैं अभी लोग इतने वो नहीं आए। अपना तो दूर निमंत्रण रहता है जहाँ पर अपन फेरे वगैरह करवाते हैं वहीं पर तो वो नज़दीक था नहीं इसलिए गए नहीं अपन। और वैसे सलाद खाते हैं सलाद अच्छा होता है पौष्टिक भी होता है यार शरीर सही रहेगा सुबह सुबह पेट एकदम बढ़िया वाला साफ हो जाए सही जी की। तो देखो जी मैं फेस कैमरे में बाद में बात करता हूँ अभी जस्ट खाना खा लेते हैं। हमारे नीरू भाई ने बनाई है रोटियाँ एकदम मोटी मोटी ताज़ा ताज़ा मिट्टी के तवे पे और साथ में हमारे अचार और साथ में है चाय चला लेंगे काम कोई बात नहीं। मैं तो इसको कह रहा था बताता हूँ और फिर अपन ने और नीरू ये थोड़ा सा सलाद वगैरह खा करके और चले गए थे कि सलाद पच जाए। वैसे तो सलाद पचा हुआ ये पानी होता है लेकिन क्या करें वो यार जो मैंने सावा ले रखा था ना अगले दिन का जो मतलब निकासी थी उनके वहाँ से वो लड़का है मैं किराने का सामान लेके आता हूँ ना वो उनका बहनोई है उस लड़के का जिसकी शादी है तो उसका फ़ोन आ गया था बोले यार शर्मा जी घर पे बैठे हो बोले आ जाओ क्या कर रहे हो सब आ जाओ बच्चे वगैरह। मैं बोले बच्चे वगैरह तो है नहीं भाई तो बोले आप आ जाओ फिर तो और भी सही है यहीं खाना वगैरह खा लेना। तो मैंने सोचा मर नीरू बोला यार यहाँ बैठे बैठे भी क्या करेंगे तो चल चलते हैं तो थोड़ा जा करके इन्जॉय वगैरह कर लेते हैं थोड़े से नाचे वाचेंगे। और ये वाला डांस अगर आपको चाहिए तो मैं हम मारवाड़ी पे एक दो दिन के अंदर डाल दूँगा। और मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ जितने भी कमेंट आ रहे हैं लाइक हार्ट कर रहा हूँ बस थोड़ा सा समय का बहुत अभाव है। अभी आज जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी आपके पास वीडियो आएगा उसे दो तीन घंटे पहले मतलब 5:30 बजे वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस टाइम भी मतलब मैं जस्ट आया हूँ और आ करके और ये वीडियो बनाने लगा। मैंने सोचा कि आप कल एक कमेंट भी था यार मैं देखूँगा किसका क्या था मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि आप भी बहुत हठीले हो गए हो कि क्या नाम है व्लॉग भी नहीं डालते हो अच्छा नहीं लगता शर्मा जी सोना सोना लगता है लेकिन बस थोड़ा सा ये यार अभी थोड़ा सा सीजन और है फिर एकदम सीजन कम हो जाएगा तो सीजन सीजन में दो पैसे कमाएंगे तो काम आएंगे अपने आगे फ्यूचर में भी नहीं तो महीने दो महीने में तो आएंगे यार इतने तो वो होएगा। और उसके बाद आपको पता ही है आपके शर्मा जी आप लोगों के हर कमेंट का जवाब दे देंगे तो लाइक और हार्ट करने से ही आप समझ जाया करो कि हाँ शर्मा जी थोड़े व्यस्त आदमी हैं। तो वह कह रहे ना कि होटाला लेकिन लगाए तो होटाला लेके और भी लगाओ
पट्टी खोल भाई लिपस्टिक तो लोटा ला ली तो ढंग से लगाता रोजीना लगाओ हो बताओ ढंग से कौन लगाई हाँ यो बढ़िया काम करो एक अने के कई देर से कसकी बोलो लोटा ला ली ढंग से लगाओ और लगाई दिए ढंग से लोन सोठ बाकी हो तो सगड़ी चीज बाकी रह गया जवानो जणो किमी ढंग से बढ़िया